subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. मैंने कहा था दो-दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करते हैं. Repco Home Finance के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यशपाल गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए. गुप्ता साहब, स्वागत है सीनबीसी आवाज पर जुड़ने के लिए. अच्छा, ये स्टॉक में जैसे शुरुआत में कह रहा था लार्जली इस साल प्रेशर में रहा है, खासतौर पर आपने जब नतीजे घोषित करे उसके बाद दबाव बढ़ गया था. अच्छा, बाजार को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो इस समय किसी भी एनबीएफसी हो, बैंक हो, एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन. और आपके केस में तो इस बार एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई नजर आई है. क्यों, कब तक हालात स्टेबलाइज होंगे या यहां से फर्दर डिटोरिएशन एक्सपेक्ट करूं सर, आपका आकलन? ओके गुप्ता साहब, सवाल सुना आपने? हाँ सुना. ओके, देखिए जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, यस परसेंटेज वाइज डिटरेशन हुआ है हमारा 3.7%. बट अगर आप देखें अमाउंट वाइज तो खाली 351 करोड़ है. और हमने इन्वेस्टर मीट में कहा है कि हम इसको मार्च तक 2-2.5% लेके आएंगे. 2-2.5% शायद ना हो पाए, लेकिन इससे बढ़ने की तो कोई चांस नहीं है, इससे कम ही होने वाला है. तो आप कह रहे हैं इस समय जो ग्रॉस एनपीए 3.7% पे Q3 में पहुंचे थे, 2-2.5% आपने कहा था वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हालात सुधरते हुए नजर आएंगे इन लेवल से. एसेट क्वालिटी फर्दर डिटेरियरेट नहीं होगी? नहीं, नहीं होगी सर. तो फिर अगर 2-2.5 नहीं होंगे तो क्या आकलन अब आपका कहता है, रिफ्रेश्ड आकलन, और क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आएगी यहां से? सर पहली चीज तो यह है कि नया एनपीए बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं. सर आवाज, ओके आपकी आवाज आ रही है मेरे को? सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू करें. हाँ, तो पहली चीज तो यह है कि नए एनपीए कोई नहीं ऐड होने वाले हैं, नंबर वन. नंबर टू जो है, जो एग्जिस्टिंग एनपीए हमने एग्रेसिवली उसमें सरफेसी में एक्शन लेना शुरू किया है, उसमें हमने वन टाइम सेटलमेंट करने शुरू किए हैं एंड ऑलरेडी हमने 30-40 करोड़ की रिकवरी कर ली है. वन टाइम सेटलमेंट कह रहे हो आप करना शुरू करा है? यस, वन टाइम सेटलमेंट सरफेसी के अंदर एक्शन लेना शुरू किया है. अलग अलग कस्टमर के लिए हमने स्पेसिफिक टीम बनाई है जो कि कस्टमर से जाके मिल रही है. तो पहला तो कोई नया एनपीए जुड़ने वाला नहीं है, और एग्जिस्टिंग एनपीए जो है उसमें से भी हम कमी करने वाले हैं. तो ये वन टाइम सेटलमेंट मतलब आप कुछ हिट लेंगे और अकाउंट को क्लोज करेंगे? हाँ सर, बट जो हिट जो होगा वो खाली पेनल्टी वगैरह जो हम चार्ज करते हैं नहीं पेने के लिए, उसमें प्रिंसिपल में कोई हिट नहीं लेने वाले हम. अच्छा, आपके केस में सर आपका जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम लैप पोर्टफोलियो कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स का पोर्टफोलियो, मैं देख रहा था जब मैं ग्रॉस एनपीए को ब्रेकअप कर रहा था, तो ये वो पेन पॉइंट्स हैं इस समय जो आपके लिए दबाव बना रहे हैं. तो जब क्या इन यहाँ पे डिटोरेशन को रेस्ट करने के लिए क्या इनसे फोकस भी डी शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, या फोकस बना रहेगा बस ये स्टेप्स के जरिए आप फर्दर एसेट डिटोरेट होते हुए नजर नहीं आएंगे? सर इसमें हम दो चीजें कर रहे हैं. बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो जो है लैप लोन है वो हमारा पोर्टफोलियो 20.5% था, उसको घटा के हमने 19.72% किया है. दूसरा जो लार्ज वैल्यू लैप्स है वो हमने देने बंद कर दिए हैं. 1 करोड़ से ऊपर का लोन जो है अब हम बहुत ही कम दे रहे हैं. पहले हमारा जो एवरेज था हम वापस छोटे लोन के ऊपर आ रहे हैं. मैक्सिमम जो है 50 से 75 लाख से ज्यादा का लोन होता है तो हम उसको डिटेल स्क्रूटनी करते हैं. तो बेसिकली क्या रेपको होम फाइनेंस की एग्रेसिवनेस पिछले कुछ क्वार्टर्स में वो भारी पड़ गई? सर ये तो मैं नहीं कहूंगा एग्रेसिवनेस भारी पड़ गई, क्योंकि क्या हुआ कुछ चीजें हुई जो हमारे कंट्रोल के बाहर थी. जो पहली चीज तो जैसे हमारा कस्टमर ज्यादातर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है तो वो कैश में रिपेमेंट ज्यादा करता है. तो एक वो कैश जो डिमोनिटाइजेशन का इफेक्ट हुआ, उसके बाद जीएसटी का इफेक्ट हुआ वो थोड़ा इफेक्ट किया. सेकंड जो है हमारी लोन बुक करीब 61% हमारे लोन जो है तमिलनाडु में है. और तमिलनाडु में भी क्या है कि एक तो सैंड और ज्यादातर हमारे जो लोन्स हैं वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, क्योंकि हम अपार्टमेंट वगैरह कम फाइनेंस करते हैं. तो उसमें क्या हुआ कि सैंड माइनिंग का यस सर. तो अब तो सैंड माइनिंग पे बैन हटा दिया गया है, अब क्या नॉर्मल सी नजर आ रही है, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है? सर बैन हटाया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी स्टे किया हाईकोर्ट ऑर्डर के ऊपर. ओके, तो वो अभी भी जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा. तो फिर आप कह रहे हैं एसेट क्वालिटी फर्दर डिटेरियरेट नहीं होगी, 2-2.5 नहीं, लेकिन हालात सुधरते हुए नजर आएंगे. नॉर्मल सी कब तक लौटेगी और क्या वो नॉर्मलाइज लेवल होंगे ग्रॉस एनपीएस के, सर मुझे समझाएं. सर हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 1.5 या उससे नीचे.
और हमारा ये जो कैलकुलेशन कहता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में वो नॉर्मल से रिटर्न होनी चाहिए, अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में हालात वापस सुधरते हुए नजर आएंगे। हाँ, वैसे स्टॉक भी लोअर लेवल से मैंने देखा है, कुछ पिटाई एग्रेसिव पिटाई के बाद पिछले कुछ दिनों में सुधरता हुआ आपको लगातार नजर आएगा। और तमिलनाडु में आप कह रहे हैं सैंड माइनिंग को लेकर अभी नॉर्मल सी नहीं आई है, उसमें तो समय लगने वाला है एज्यूम करूं मैं। यस हाँ, अच्छा कोई रीपेमेंट्स कोई प्रीपेमेंट्स वो टेंडेंसी वो इंक्रीज हो रहे हैं वो हालात उस तरफ? सर यस प्रीपेमेंट्स हो रहे हैं, जिसको भी हम अरेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने वापस जहां रिक्वायर्ड है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कर रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताओ गुप्ता साहब, ये इंटरेस्ट रेट आउटलुक क्या कहता है, आपका क्या मानना है आरबीआई की तरफ से स्टेटस को लंबे अरसे तक अज्यूम करूं या दरें जल्द बढ़ती हुई नजर आएंगी? सर अब हम जो है ऑफ कोर्स ये वैसे जो मार्केट एक्सपर्ट्स है बैंकिंग वो ज्यादा बेटर बोल सकते हैं, पर एक तो है कि घटने की तो संभावना नहीं लग रही है। ऑलरेडी हमने देखा है हमने देखा है कि एसबीआई वगैरह ने एमसीएलआर बढ़ा दिया है, तो हमारा ये मानना है कि 4 से 6 महीने में आरबीआई शायद 25 BPS बढ़ाएगा। आने वाले समय में दरें बढ़ने वाली हैं, तो फिर इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गुप्ता साहब मैं एज्यूम करूं रेपको होम फाइनेंस का फर्दर कंप्रेशन मार्जिन्स में? सर जहां तक वो सवाल है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है सर मार्जिन करीब 3.5% है। दूसरी चीज ये है कि ये है जब हमारा एनपीए 3.7% है तब, और सर जैसे आपको मालूम होगा जो एनपीए होते हैं हम उन पर इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं करते हैं, तो जब वो रिकवरी होगी तो एक तो प्रोविजन राइट बैक होगा, दूसरा उस स्टैंडर्ड एसेट में की जो बढ़ोतरी होगी तो उसमें इंटरेस्ट इनकम बुक होगी, तो जितना भी हमारा रिडक्शन इन मार्जिन होगा हमारा ये आइडिया है कि वो शायद उससे कंपनसेट हो जाएगा बाय रिडक्शन ऑफ एनपीए। गुप्ता जी तो मोटा मोटी जाते जाते एक पार्टिंग रिमार्क, मैं अज्यूम करूं जो पेन था बुक्स में वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा, यहाँ से एटलीस्ट एसेट क्वालिटी के लिहाज से हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, तो बाजार को फर्दर नर्वस होने की जरूरत नहीं है रेपको होम फाइनेंस को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए तो अब मैं अगले तिमाही नतीजे आएंगे आपके तो सर आपसे वापस बातचीत करूंगा, तब इन सब क्यू पॉइंट्स लेकर अपन लोग बातचीत करेंगे। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए आज वक्त निकालेंगे तो रेपको होम